हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हाइड नेविगेशन बटन इन रेडमी 9A स्पोर्ट में नेविगेशन बटन कैसे हटाने। ये जो तीन बटन आप देख रहे हैं नीचे की साइड, इन बटन्स को आप कैसे हटा पाएंगे, गेस्चर सेटिंग कैसे इनेबल कर पाएंगे अपने फ़ोन में। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिससे कि आपको ठीक तरीके से समझ आ सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग पर, और सेटिंग पर जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रोल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे जाना है, फिर यहाँ से आपको और नीचे जाना है, फिर यहाँ से आपको मिल जाता है ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको मिल जाता है ये फुल स्क्रीन गेस्चर, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसे आपको डोंट शो अगेन नॉट नाउ कर देना है। अब यहाँ से क्या होगा, इधर से स्वाइप करेंगे तब बैक जाएंगे आप, इधर से स्वाइप करेंगे तब बैक जाते हैं, और यहाँ से स्वाइप करते हैं डायरेक्टली आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। अगर आपको रिसेंट टास्क में पहुँचना है तो स्वाइप करके यहाँ तक लाना है आपको, और यहाँ से आप रिसेंट टास्क में पहुँच जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में गेस्चर सेटिंग इनेबल कर सकते हैं, नेविगेशन बटन जो है वो हाइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो।